हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में एंड लिविंग के फीचर्स के बारे में और लिविंग में किस टाइप से मूव होते हैं। तो मैंने हमने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में देख लिया था कि मूव किसके थ्रू होता है। अब देखते हैं कि प्लांट्स में मूव किसके थ्रू होता है। आइए देखते हैं। प्लांट्स मूव अपवर्ड वाइल ग्रोइंग फॉर मोशन लाइट। जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको अधिक सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। मतलब उनमें वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं। पहले छोटे रहते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, थोड़ा और बड़े होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं। यानी उनमें ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है और उनको क्या होती है, सनलाइट की अधिक नीड होती है। उनको सूर्य की लाइट की अधिक आवश्यकता होती है। द ग्रेव वाइन क्लाइम्स अलॉन्ग सपोर्ट फॉर मोर सनलाइट्स। जो ग्रेव वाइन्स के क्लाइम्स होते हैं, जो अंगूर की लताएं होती हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिससे अधिक सूर्य के प्रकाश को ले सके। ओके, अ प्लांट्स इन अ रूम टर्न्स टूवर्ड लाइट्स। आपने देखा होगा कि किसी रूम में कोई पौधा लगा है तो जिधर से सनलाइट आ रही होती है, यानी जिधर से सनलाइट आती है उसकी ओर वो मुड़ जाता है। मतलब उसको सनलाइट की अधिक नीड है, जिसके वजह से उसकी तरफ मुड़ गया है और अपनी नीड को पूरा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। टेबल, चेयर, पेन, फैन, ब्रिक, स्टोन आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम ये सब तो जानते हैं। टेबल, चेयर, पेन, फैन, ब्रिक, स्टोन, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं हैं। दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। ये तभी मूव करती हैं जब कोई इसको मूव कराता है। जैसे हम अपने बुक को टेबल से उठाया, बैग में डाल लिया, बैग में डाल के स्कूल ले आ लिए, तो अब देखिए तो उस तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, लेकिन हम उसको मूव नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद से मूव नहीं कर रहा है, हमारे द्वारा मूव कर रहा है। ओके, देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव वन देयर ओन। मतलब यही मैंने अभी बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो स्वयं से खुद से मूव नहीं करती हैं, खुद से गति नहीं करती हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ओके, लिविंग थिंग्स नीड एंड टेक फूड एंड वाटर टू ग्रो। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको नीड है, किसकी नीड है? खाने की और पानी की। किसके लिए? ग्रो करने के लिए। यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, उनकी वृद्धि के लिए भोजन और पानी की नीड है। स्मॉल पॉप टेक्स फूड एंड वाटर। जो स्मॉल पॉप से स्मॉल डॉगी का बच्चा है, स्मॉल डॉग है, उसको क्या है? खाने की ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है। इट्स ग्रो टू बिकम अ डॉग, तभी वो बड़ा होके एक डॉग में कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब एक पप्पी है, उसको खाने और पानी की ज़रूरत है, जिससे धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगा? डॉग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी पहले छोटा रहेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और कुछ समय बाद वो एक डॉग का रूप ले लेगा, यानी अपने मदर फादर का रूप ले लेगा। ओके, अ चिक ग्रोस इनटू अ हैन, अ बेबी गर्ल ग्रो इनटू अ वुमन। यानी जो मुर्गी का बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। यानी चिक वृद्धि करके हैन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बेबी का बच्चा है, बेबी गर्ल है, वो ग्रो करके वुमन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी लिविंग थिंग्स को नीड है किसकी? वाटर और फूड की, जिसके वजह से उसमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है धीरे धीरे। ग्रोथ होता है जिसके वजह से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे एक बेबी गर्ल है, छोटी बच्ची है, उसको वाटर और फूड मिलता रहे तो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। जैसे हम लोग पहले बच्चे होते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे और बड़े होते हैं। कैसे बड़े होते हैं? हमारे अंदर ग्रोथ होता है, धीरे धीरे कर करके हम भी बड़े हो जाते हैं और अपने मम्मी पापा के एज में आ जाते हैं, और हमारे मम्मी पापा भी और ज़्यादा एज में आ जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। स्मॉल सीड टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम सॉयल। जो स्मॉल सीड है, ये जो हमारा बीज है, उसको भी तो वाटर और फूड की रिक्वायरमेंट है ग्रो के लिए, तो कहाँ से लेता है? फ्रॉम सॉयल, सॉयल से फूड और वाटर लेता है। ओके,
grow to become a baby plants and then a big plants. जो हमारा सीड है हमने सीड को अर्थ में डाल दिया और जर्म कर गया, ओके. उसके बाद कुछ समय बाद वो बेबी प्लांट्स छोटा पौधा बन जाएगा, उसके कुछ समय बाद वो बिग प्लांट्स बन जाएगा, मतलब प्लांट्स बड़ा हो जाएगा. कहने का मतलब यही है कि इसको भी फूड और सॉइल की रिक्वायरमेंट है बड़े होने के लिए. आगे देखते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक फूड और वाटर. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो वाटर और फूड नहीं लेते हैं. दे डू नॉट ग्रो. क्यों? क्योंकि उनमें ग्रोथ होता ही नहीं है, उनमें वृद्धि होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ना उनको फूड की ना वाटर की किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस हु टुक लाइक देम. जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे एक इंसान को या फिर एक थिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है. जैसे अ डॉग रिप्रोड्यूस स्मॉल डॉग्स. अ वीट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड फॉर न्यू प्लांट्स. जो डॉग है अपने जैसे बच्चों को पप्पी को रिप्रोड्यूस किया है. अ वीट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड फॉर न्यू प्लांट्स. ये जो वीट है, वीट के पौधे से सीड आएगा, सीड से भी एक और वीट का पौधा तैयार हो जाएगा. यानी ये रिप्रोड्यूस कर रहे, अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं निर्जीव वस्तुएं हैं और रिप्रोड्यूस नहीं करती, यानी वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ाती हैं. सेवन्थ नंबर पे आते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स डाई व्हेन दे बिकम वेरी ओल्ड. सभी निर्सजीव वस्तुएं अपने अधिक एज प्राप्त करने के बाद मर जाती हैं, यानी जब वो पुरानी हो जाती हैं, जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो क्या कर जाती हैं, डाई कर जाती हैं, मर जाती हैं. डॉग बिकम्स वेरी ओल्ड एंड डाई. डॉग जब कुत्ता ज़्यादा पुराना हो जाता है यानी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो मर जाता है, डाई कर जाता है. और प्लांट्स बिकम वेरी ओल्ड एंड डाई. जो प्लांट्स हैं वो पुराना हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो मर जाएगा. ओके. व्हेन अ लिविंग थिंग्स डाई इट्स नॉट एबल टू ब्रीथ फील आर मूव. इट डज नॉट टेक फूड एंड वाटर ग्रो आर प्रोड्यूस. इट हैव नो लाइफ. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं यहाँ तो देख लिया कि जब सजीव वस्तुएँ मरती हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएँ हैं उनमें योग्य नहीं होता कि वो सांस ले सके, महसूस कर सके या फिर गति कर सके. इट डज नॉट टेक फूड एंड वाटर. और ना ही भोजन की ज़रूरत होती है और ना ही वाटर की, यानी वो जल और भोजन नहीं ग्रहण करते हैं ग्रो और रिप्रोड्यूस, ना ही वो वृद्धि और प्रजनन करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर लाइफ नहीं होता. इट हैज नो लाइफ. तो अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स. यानी नॉन लिविंग के टाइप हैं ये दो टाइप, जिसमें आते हैं नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स. नेचुरल यानी जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है. मैनमेड थिंग्स यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है. आइए देखते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर टू टाइप्स. जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो टू टाइप की होती हैं. पहला है नेचुरल एंड दूसरा मैनमेड. ओके. यानी जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल, सेकेंड मैनमेड. आगे देखते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स नॉट मेड बाई मैन आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. ऐसी वस्तुएँ जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स यानी प्राकृतिक वस्तुएँ. जैसे रॉक्स, चट्टान, लकड़ी, वाटर, जल आर फाउंड इन नेचर. जो भी नेचर में पाए जाते हैं, जो भी प्रकृति में पाए जाते हैं, दे आर नॉट मेड बाई मैन, दे आर नेचुरल थिंग्स. ये सब मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, इसलिए क्या है, नेचुरल थिंग्स. यानी जो हमारा रॉक है, चट्टान है, वुड लकड़ी है, वाटर है, जल है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई हैं. तो ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स यानी प्राकृतिक वस्तुएँ हैं. वुड हमारा जो लकड़ी है, इसे हम चेयर टेबल आदि चीज़ें बनाते हैं, लेकिन लकड़ी नेचर की ही बनाई गई है. तो ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मेक आर कॉल्ड मैनमेड थिंग्स. ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी निर्जीव वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, वो सब क्या है, मैनमेड थिंग्स हैं. यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं. जैसे हाउस, कार, क्लॉथ, पेन, पेपर एंड मैन बाय मैन. जो मैन के द्वारा मेड की गई हैं वो क्या है, मैनमेड थिंग्स हैं. जैसे हाउस, कार, क्लॉथ्स, पेन, पेपर. ओके.
तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, तो सबसे पहले आप इसका एक्सरसाइज सॉल्व करोगे और ग्रुप में सेंड करोगे। ओके, जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं।